छत्तीसगढ़ के जंबो संगी जहुरिया, सियान जवान दाई बहनी मल्ला जय जोहार। सबसे पहले बस्तर में विराजी मां दंतेश्वरी मैया को, डोंगरगढ़ में विराजी मां बम्बलेश्वरी माता को और रतनपुर की मां महामाया को प्रणाम करता हूं। मैं छत्तीसगढ़ में बैठे हुए अपने साथियों से कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के लिए अपन अतिथि नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश के गांव और गली को नापा है, वैसे विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के नाते छत्तीसगढ़ के भी हर कस्बे और शहर को नापने का काम किया है। आज भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य के रूप में भले ही अलग हो, लेकिन शरीर दो है, जान एक है, आत्मा एक है, प्राण एक है। और जब कभी मैं रायपुर बिलासपुर जाता हूं तो नागपुर होते हुए ट्रेन से अगर चले जाए तो नागपुर में आके लगता है कि दूसरे प्रदेश में आए हैं, लेकिन रायपुर बिलासपुर आता है, दुर्ग राजनांदगांव आता है तो ऐसा लगता है अपने मध्य प्रदेश में ही आ गए, अपने छत्तीसगढ़ में ही आ गए। हम छोटे भाई बड़े भाई नहीं, एक ही भाई है। दोनों की विकास यात्रा के कई अध्याय हमने एक साथ लिखे हैं, लेकिन आज हम इकट्ठा हुए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अद्भुत नेता है नरेंद्र मोदी। सचमुच में गर्व होता है हम सबको, ऐसा राष्ट्रीय नेतृत्व वर्षों बाद हमें मिला है जिनने देश का मान सम्मान और शान केवल हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। ईश्वरीय शक्ति से संपन्न हमारा नेता, दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व करने वाले नेता, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी जी, जो सपना देखा था, जिनने जनसंघ की स्थापना की थी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, हमारे ऐसे वरिष्ठ नेतागण, एक ही सपना था सबका, काय के लिए भारतीय जनसंघ, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत जिसके नौजवान दुनिया के किसी कोने में जाए तो सीना तान के कहे हम भारतीय हैं। ऐसे भारत के निर्माण के लिए पीढ़ियां की पीढ़ियां खप गई, लेकिन हम आज गौरव और गर्व का अनुभव कर रहे हैं। मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। ऐसे भारत का निर्माण अगर हुआ तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। एक अलग भारत, एक न्यू इंडिया, एक नया भारत आज दुनिया के समक्ष खड़ा हुआ है। मेरे बहनों और भाइयों, याद करो एक दिन वो थे जब बात बात में चीन हमें आंखें दिखाता रहता था, चीन हमें डराता था, पाकिस्तान डराता था, श्रीलंका जैसे देश डराते थे, पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, और तब हम आंख मिला के बात नहीं कर पाते थे। अरे कांग्रेसियों भूल गए क्या, कौन ने इस देश में नारे लगाए, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई नारे लगाते रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कब चीन घुस गया आके हमारे देश की सीमा के अंदर, पंडित नेहरू जी आपको पता ही नहीं चला। और पंडित नेहरू का सोच देखिए, कांग्रेस का सोच देखिए, चीन ने जब हमारी जमीन दबा ली और भारत की संसद में एक प्रखर सांसद ने जब ये मामला उठाया कि चीन ने हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, पंडित नेहरू जी का जवाब था उस जमीन का क्या करेंगे, उसमें तो घास का एक तिनका तक पैदा नहीं होता। तब सांसद जी ने जवाब दिया था, पंडित जी आपके सिर पे भी एक बाल नहीं है, क्या इसको भी बेकार समझ के काट देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। ये सोच थी कांग्रेस की पवित्र भारत भूमि के बारे में, जिसके बारे में अटल जी ने कभी कहा था, ये देश हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है,
हिमालय इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं, ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, यहाँ का बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल है, यहाँ का बच्चा बच्चा हमें प्यारा है, यहाँ का जंजर हमें दुलारा है, हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। पर मरने के बाद अगर हमारी राख भी समुद्र में फेंक दी जाएगी तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और वो पूरा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। अभी अभी कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, चीन ने जो व्यवहार किया भारत के साथ वो कैसा था, लेकिन अब चीन ने दुस्साहस किया, गलवान में गिरेवान टालने की कोशिश की, वो भूल गया कि 62 का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। चीन अकड़ा तो हमारे सैनिकों ने चीनियों की गर्दन तोड़ के वहीं पटक दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, मोदी जी ने, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, हम शांति के पक्षधर हैं, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज आंख में आंख डाल के चीन को जवाब देने का साहस किया है तो हमारे भारत के वीर सैनिकों ने किया है। मैं भारत के इन वीर सैनिकों को प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। चीनी सीमा पर हमारे कांकेर के वीर सैनिक शहीद गणेश राम कुंजाम ने अपना बलिदान दिया है, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, भारत माता के ऐसे जवान बिना हथियारों के चीनियों से भिड़ गए और सबक सिखा दिया। मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि हमारा कोई जमीन जवान अगर शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उस परिवार के सम्मान के लिए हम देते हैं, 1 मकान हम देते हैं, परिवार को शासकीय सेवा में रखते हैं, उनकी प्रतिमा लगाने का काम करते हैं। मुझे भी बताया कि छत्तीसगढ़ में तो मात्र 20 लाख रुपए की राशि दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का सोच अलग है, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। यह संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारत और चीन विवाद के लिए कोई जिम्मेदार थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे, कश्मीर में धारा 370 अगर कोई जिम्मेदार थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे। आंख में आंख मिला के बात करो कांग्रेसियों, कौन ने कश्मीर में धारा 370 लगाई? एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, कौन ने इसका प्रावधान किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेसियों, तुमने इसका प्रावधान किया। लेकिन धन्य नरेंद्र मोदी जी, एक इतिहास पुरुष, कोई सोचता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सोचते थे ये धारा 370 शायद कभी हटेगी नहीं, ये तो केवल नारा लगाने मात्र के लिए है। लेकिन दोबारा प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, लोग देखते रह गए, सोचते रह गए। कोई कहता था ज्यादा कुछ नहीं होगा, छोटा मोटा परिवर्तन होगा, कोई कहता था केवल 35A हटेगी, लेकिन धन्य नरेंद्र मोदी जी, एक झटके में धारा 370 समाप्त करके फेंक दी। लोग सोचते रह गए, देखते रह गए, किसमें ऐसा शौर्य, किसमें ऐसा साहस और किसमें ऐसी दम थी। अगर वो दम थी तो नरेंद्र मोदी जी में थी, अमित भाई शाह में थी। कश्मीर से धारा 370 समाप्त, 3 तलाक,
का कलंक मेरी मुस्लिम बहनों को किसने दिया? राजीव गांधी जी ने। सहवानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान में संशोधन करके बदल दिया गया। 3 तलाक एक अमानवीय प्रथा थी जो कई मुस्लिम देशों में नहीं थी। किसी ने साहस किया हाथ लगाने का। उस 3 तलाक को भी अगर समाप्त करने का चमत्कार किया तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने किया, माननीय नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में हुआ। एक ऐसी कुप्रथा जो कलंक थी भारत के माथे पर, उसको समाप्त किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। नागरिक संशोधन कानून, आज भी हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कितना तुष्टीकरण करोगे रे, कि हमारे वो भाई और बहन जो पाकिस्तान में रह गए, बांग्लादेश में रह गए, वो वहां अल्पसंख्यक थे, अफगानिस्तान में रह गए, जिन पे अमानुषिक अत्याचार किए जाते हैं, सरेआम मंदिर जला दिए गए, घरों में आग लगा दी गई, बेटियां उठा ली जाती है, क्या उनके नागरिक अधिकार नहीं है? क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या उनको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? और उनके लिए जब ये कानून बनाया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, वो भारत की नागरिकता जो यहां पे आए हैं वर्षों पहले दी जाएगी, तो यही कांग्रेस थी जिसने CAA का विरोध करने का पाप और अपराध किया। एक नहीं, अनेकों काम। अयोध्या में भगवान राम मंदिर का निर्माण, लोग कहते थे ये भी चुनावी मामला है, जब चुनाव आते तब कहने लगते राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग मजाक उड़ाते थे, यह असंभव है, ये हो नहीं सकता, ये तो वोटों की राजनीति है। लेकिन धन्य नरेंद्र मोदी जी, एक झटके में सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया और भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। कौन सोचता था ये चमत्कार हो जाएंगे? 1 साल के अंदर अंदर अगर इन कामों की सूची गिनाई जाए तो असंख्य है ये काम। क्या ये काम कोई साधारण मनुष्य कर सकता है? क्या साधारण इंसान कर सकता है? छोटा सा कदम उठाने के पहले 1000 बार लोग सोचते हैं। कांग्रेस के नेता तो चीन के मामले में मिमियाने लगते थे, उधर मत देखो, उधर मत जाओ, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखो, आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ साथ। आज ही मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने फिर दोहराया है कि भारत के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा जरूरत पड़ी तो हर कीमत पर दी जाएगी। हिम्मत है किसी से, किसी में जो जूझ ले हमारे देश से? आज प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, चीन के सामान की जरूरत नहीं है, भारत के सम्मान की जरूरत है, भारत के सम्मान की जरूरत है। और भारत का वो सम्मान अगर बढ़ाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने कितने पाप किए थे? भारत और चीन की सीमा का विवाद इनने पैदा किया और अब उसका परमानेंट समाधान अगर करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपने ही चीन को संयुक्त राष्ट्र के स्थाई सदस्य बनाने की पैरवी की थी। तुम स्थाई सदस्य बनवाते थे और वो पीठ में छुरा घोंपने का काम करता था। लेकिन आज ये मोदी जी का भारत है। कभी भारत की उस समय कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि चीन की सरजमी पर जो हमारी सीमाएं, पक्की सड़क का निर्माण कर दो। चीन क्यों बौखलाया हुआ है? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की दम थी, सीमा तक शानदार पक्की सड़कों का जाल बिछ गया, 98% काम हमने पूरा कर लिया। चीन बौखलाया हुआ है, चीन परेशान है, चीन सोच रहा है कि भारत अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो दुनिया में ये एकमात्र देश है जो चीन को मात दे सकता है। और आज हम कहना चाहते हैं, भारत की सरजमी पर खड़े होकर चीन को सावधान, तुम तो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, 130 करोड़ भारतीय अगर अपनी पे आ गए तो चीन तबाह और बर्बाद हो जाएगा। आज नेतृत्व अगर हमारा कर रहे
तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब हमने तो चीन के साथ सतम साक्षम समाचरे, तो जैसा व्यवहार हमसे करेगा हम उससे वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, मैं आज याद दिलाना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये चीन था अभी 2005 और 6 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दूतावास ने मीडिया की रिपोर्ट से ये पता चला है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे, मीडिया की रिपोर्ट्स कह रही है कांग्रेस पार्टी को 90 लाख रुपए का डोनेशन दिया इस चीन ने दिया। क्या कांग्रेसियों तुमने शर्म और लाज पेच के खाली 90 लाख रुपया काय के लिए दिया बताओ, और किस फाउंडेशन को मिला जिसकी चेयरपर्सन है श्रीमती सोनिया गांधी। मैडम सोनिया गांधी जवाब दो, 90 लाख रुपए काय के लिए थे? मनमोहन सिंह जी, पी चिदम्बरम जी जवाब दो, राहुल गांधी जी जवाब दो, चीनी दूतावास से फंड लेने के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने रिसर्च के माध्यम से फ्री ट्रेड की वकालत की। यह है चीन का और कांग्रेस पार्टी का गुपचुप समझौता। गुपचुप समझौता तुम चीन से करते हो ये देश जानना चाहता है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने किस काम के लिए चीन से ये पैसे लिए हैं? आधी रात में चोरी चोरी चुपके चुपके राहुल गांधी क्यों चीन के दूतावास में जाते हैं? और केवल चीन के दूतावास में नहीं जाते, पता नहीं कब देश से निकल के कहां कहां जाते हैं। इसका जवाब क्या कांग्रेस के पास है? कांग्रेस और चीन का कनेक्शन क्या है? आज मैडम सोनिया गांधी, देश को आपको बताना पड़ेगा। सोनिया गांधी जी, देश के सामने आपको पूरा सच रखना चाहिए। चीन से डोनेशन तुम लो, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ दोस्ती तुम करो, चीन के सामने आत्मसमर्पण तुम करो, और उल्टे राष्ट्रभक्ति का पाठ हमें पढ़ाओ। धिक्कार है ऐसी कांग्रेस पर, हमें गर्व है भारतीय जनता पार्टी पर और देश के नेता नरेंद्र मोदी पर। एक परिवार की गलती के कारण, इसी कांग्रेस के एक परिवार की गलती के कारण 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी चीन के कब्जे में गई है। कांग्रेस को तो देश से माफी मांगनी चाहिए, इस पार्टी को तो देश की सुरक्षा पे बोलने तक का हक नहीं है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक तरफ देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, सीमाओं की रक्षा, और दूसरी तरफ सबका साथ और सबके विकास का मूल मंत्र। कहां था भारत मेरे बहनों और भाइयों, आज भारत कहां पहुंच गया? इस कोरोना काल में जब चारों तरफ दुनिया में तबाही मची हुई है, मुझे कहते हुए गर्व है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी है। समय रहते उन्होंने देश को चेताने का काम किया। 20 मार्च के दिन उन्होंने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला ली, 22 मार्च के दिन जनता कर्फ्यू लगाया, 24 मार्च के दिन लॉकडाउन घोषित किया। भूपेश बघेल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस बात करती है मोदी जी ने लॉकडाउन कैसे लगा दिया, लॉकडाउन लगाओ तो आपत्ति है, लॉकडाउन कैसे खोल दिया, खोल दो तो आपत्ति है। क्या भूपेश बघेल, आपको नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया नहीं था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में? हर मीटिंग में जाते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोलते हो लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, लॉकडाउन हटाना नहीं चाहिए। उधर तो बोलते हो लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन मत हटाओ, और इधर कांग्रेस बोलती है लॉकडाउन लगा कैसे दिया। अरे मैडम सोनिया गांधी, ये तो बताओ तुम्हारे मुख्यमंत्री तुमसे कुछ पूछते हैं कि नहीं पूछते? क्या दिल्ली दरबार कांग्रेस का इतना कमजोर हो गया कि जिसको जिसके छत्रपी जिसको कभी पूछते नहीं है, बिना पूछे ही काम करते हैं? दोहरी नीति कांग्रेस की, प्रधानमंत्री जी थे जिन्हें एक बार नहीं 6-6 बार सभी दलों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। संघीय लोकतंत्र का यह सबसे शानदार उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी टीम में मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया।
संघवाद का अद्वितीय उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और ये प्रधानमंत्री का चमत्कार है। अगर भारत के प्रधानमंत्री समय पर जागरूक नहीं करते तो मेरे बहनों और भाइयों ये महामारी कितना विनाश करती। आज देखिए जब इसमें कोरोना संक्रमण की दर 108 प्रति लाख है, वहीं भारत में ये आंकड़ा महज 28 है। इसी तरह विश्व में कोरोना से मृत्यु की दर अगर 5.87 प्रति लाख है तो हमारे देश में केवल 0.92 ही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की जी की जागरूकता के कारण आज देश बचा है और आज भी लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि भारत को सुरक्षित रखने का काम करें। तुमने क्या दिया भैया छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी, बताओ। अरे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्हें 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज सबसे पहले दे दिया। भूपेश बघेल जी जो गरीब मेरी बहने थी उनके खाते में, जनधन खाते में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार 500 रुपया अगर डाले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाले। बघेल जी जो फ्री में गेहूं और चावल तुम बांट रहे हो ये तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। एक एक गरीब परिवार को फ्री में अगर राशन दिया, चावल और गेहूं दिए और अब 1 किलो दाल दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। उन्हें कह दिया किसी के पास राशन कार्ड हो चाहे किसी के पास राशन कार्ड नहीं हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस समय हर गरीब के पास राशन पहुंचाया जाएगा। खजाना खोल दिया, भंडार खोल दिए, राम की चिड़ैये राम कोई खेत, खावरी चिड़ैये भर भर पेट, चिंता मत करो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तुमने क्या दिया भैया ये तो बता दो। फ्री में गैस सिलेंडर दिए तो नरेंद्र मोदी जी ने मेरी बहनों को दिए। अगर किसानों के खाते में 2,000 रुपया एक बार नहीं साल में 3 बार कोई देते हैं किसान सम्मान निधि के रूप में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। 50,000 करोड़ रुपए के फंड से गरीब कल्याण रोजगार योजना अगर बनाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। 20,00,000 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, चौतरफा राज्यों की मदद की। और 20,00,000 करोड़ के पैकेज में चाहे हमारे एमएसएमई हो, हमारे लघु और कुटीर उद्योग हो, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कृषि का क्षेत्र हो, मजदूर भाइयों का कल्याण हो। अरे मैं आज बताना चाहता हूं भूपेश बघेल जी, प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना बनाई। मध्य प्रदेश में 8,00,000 स्ट्रीट वेंडर का रजिस्ट्रेशन हो गया, उनको हम 10,000 रुपए का बिना ब्याज का लोन दिलवाने का काम करेंगे। तुमने कितना किया है बताओ तो, मध्य प्रदेश आके पूछ लो। मध्य प्रदेश में गरीब मजदूरों के खाते में जो दूसरे प्रदेश में थे अगर 1,000 रुपया डाले तो मध्य प्रदेश की सरकार ने डाले। अभी डॉक्टर रमन सिंह जी बता रहे थे आप कितने लोगों को वापस लेके आए। मध्य प्रदेश के जितने मजदूर बाहर के प्रदेशों में थे, आसपास के प्रदेशों में हमने बसें लगाई, निशुल्क बसें लगाई, हम अपने बच्चों को लेके आए आसपास के प्रदेशों में बसें लगा के, हम अपने मजदूरों को लेके आए और फिर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से रेलों में भी हमारे प्रदेश के लाखों मजदूर वापस लौट के आए, हमारे मजदूरों के खाते में पैसा डाले, हम उनको वापस लेके आए। और तुम्हारे जैसे क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाए, एक चौकीदार और पंचायत के हवाले छोड़ दिया, हमने उनको जहां भी आइसोलेट करने का काम किया वहां उनको राशन दिया, रोजगार देने का काम किया। आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं छत्तीसगढ़ की जनता से, मध्य प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने अपने मजदूरों को न केवल फ्री राशन दिया बल्कि 26,00,000 लोगों को रोजगार देने का चमत्कार किया। तो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, प्रॉपर स्क्रीनिंग की, राशन उनका पहुंचाया, दवाइयों का इंतजाम किया, रोजगार सेतु नाम का पोर्टल बनाया और जिसमें जो हमारे स्किल्ड मजदूर थे उनको उद्योगों से और ठेकेदारों से जोड़ने का काम किया। छत्तीसगढ़ ने क्या किया अगर मैं मध्य प्रदेश के काम गिनाऊं तो आज शाम यहां हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी के काम तो ऐसे है कई दिन तक भी अगर स्पीच देते रहे तो पूरे नहीं होंगे, लेकिन आज मैं सोच रहा था
सीजी मतलब छत्तीसगढ़ का मतलब क्या है? जब भाजपा का शासन था छत्तीसगढ़ में और डॉक्टर रमन सिंह जब हमारे मुख्यमंत्री थे तो सीजी का मतलब था क्रेडिबल ग्रोथ, विश्वसनीय विकास, विकास हर क्षेत्र में, विकास हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, चाहे खाद्य सुरक्षा का अधिकार देना हो, कौशल सुरक्षा का अधिकार देना हो, स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार देना हो, डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और एक आज का छत्तीसगढ़ है सीजी, भूपेश बघेल आज मुख्यमंत्री है, इसका मतलब है क्योटिक गवर्नेंस, मतलब अराजक शासन। आज छत्तीसगढ़ को अराजक शासन के दौर में ले गए तो भूपेश बघेल ले गए, न प्रदेश की अर्थव्यवस्था बची, न प्रदेश की कानून व्यवस्था बची, न रोजगार मिला, न बेरोजगारी भत्ता मिला, शराबबंदी हुई नहीं, नक्सलियों पर कार्रवाई हुई नहीं, नए प्रोजेक्ट शुरू हुए नहीं, पुराने पूरे हुए नहीं, ना तो इलाज मिला, न प्रदेश में कानून का राज रहा, न महिला स्व सहायता समूहों का कर्जा माफ हुआ, न संपत्ति कर माफ हुआ। और तो और हद तो तब हो गई जब क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने आत्महत्या कर ली, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार को क्या मिला? छत्तीसगढ़ को डॉक्टर रमन सिंह चले गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, मिला क्या? ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम। छत्तीसगढ़ आज जिस स्थिति में पहुंच गया है उसके लिए अगर अपराधी कोई है तो भूपेश बघेल की सरकार है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में जैसी देश की सेवा की वो अद्भुत है, और केवल कोरोना काल का सवाल नहीं है। आप देखिए आज पूरे देश में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेनाएं शस्त्रों से सज्जित हुई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत का नया स्वरूप एक निखरा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्मार्ट सिटी जैसी परिकल्पनाएं अगर प्रारंभ हुई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। और अभी भी क्या क्या नहीं दिया आपको, मनरेगा में रोजगार मिले, इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैकेज किया, जिसका 1,200 करोड़ रुपया भूपेश बघेल जी आपको मिल चुका है। कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को काम धंधा किया। आज भारत का ये जो वैभवशाली स्वरूप दिखाई दे रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण दिखाई दे रहा है। आपने तो मिस्टर बंटाधार की याद दिला दी, एक बंटाधार थे मध्य प्रदेश में, उनका नाम मैं नहीं लेता और नहीं तो स्नान करना पड़ता है, उस समय एक बंटाधार भाव हुए थे। अब बंटाधार संस्करण 2 अगर कोई है तो वो है मिस्टर भूपेश बघेल। अरे मध्य प्रदेश जैसे राज्य की तरफ देखो, हमने किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 2,900 करोड़ 2,990 करोड़ रुपए की राशि डाली। आपने पंचायतों के सहारे छोड़ दिया था आपके मजदूरों को, लेकिन हमने तो पंचायतों को भी 1,555 करोड़ रुपया देके उनको सशक्त बनाने का काम किया। आपने क्या किया छत्तीसगढ़ के लिए, कोई बताए तो नहीं? मध्य प्रदेश में भी यहाँ कमलनाथ सरकार थी, वैसे कमलनाथ जी के बारे में क्या कहें, वो भी चीन के दोस्त हैं। जब वो वाणिज्य मंत्री थे तो उन्होंने आयात कर में 40% से लेकर 200% तक की छूट दी थी कि आओ चीन वालों माल डंप करो और लूट के ले जाओ हिंदुस्तान को। ये कमलनाथ कलंकनाथ है, कलंकनाथ ये वाणिज्य मंत्री उस समय भारत सरकार के हुआ करते थे। आज पूरे मध्य प्रदेश में जो जनता सवाल पूछ रही है कमलनाथ जी से, चेहरा बचाने की स्थिति दिखाने की स्थिति में आज कमलनाथ नहीं है। कांग्रेस की संस्कृति ये है, कोरोना काल में ना उन्होंने कुछ किया, हम तो बीच में आए जब पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना बुरी तरह से फैल गया था, एक बैठक नहीं की कमलनाथ जी ने, एक बैठक कोरोना से निपटने के लिए। बैठक अगर हो रही थी तो आईफा की तैयारियों के लिए हो रही थी। छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, आईफा मतलब कोई सिनेमा का एक सम्मेलन होता है, सिनेमा में काम करने वालों का सम्मेलन होता है जिसमें हीरो हीरोइन आते हैं, उसकी तैयारी तो यहाँ के मुख्यमंत्री कर रहे थे तत्कालीन, कोरोना की कोई तैयारी नहीं की। अब दोनों भैया एक ही जैसे हैं, छत्तीसगढ़ में उन्होंने नहीं किया, मध्य प्रदेश में उन्होंने नहीं किया,
जब हम आए तो यहाँ लैब नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, डॉक्टर अनिल जैन जी बता रहे थे। जब नरेंद्र मोदी जी, जब कोरोना काल शुरू हुआ, एक लैब थी। मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में अब 26 से ज्यादा लैब है, हजारों टेस्ट हो रहे हैं। हमारे टेस्ट अब बाहर करने हम नहीं भेजते, लेकिन छत्तीसगढ़ में काय का इंतजाम है। सच से कहा, ये अगर अटल जी का आशीर्वाद नहीं होता, दीदी सुषमा स्वराज जी की कोशिश नहीं होती, तो रायपुर में एम्स भी नहीं होता, तब छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ित भाई और बहनों का क्या होता? मेरे बहनों और भाइयों, आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की जो सरकार है वो सरकार आम आदमी के कल्याण का काम नहीं करती। गरीबों की चिंता करने का कोई सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर योजना का प्रारंभ किया, और हमने केवल मध्य प्रदेश के मजदूरों के लिए काम नहीं किया। मध्य प्रदेश देश का दिल है, चारों तरफ से मजदूर भाई बहन, चाहे वो छत्तीसगढ़ जा रहे हो, चाहे वो उड़ीसा जा रहे हो, चाहे वो बिहार जा रहे हो, चाहे वो बंगाल जा रहे हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश जा रहे हो, मध्य प्रदेश से होकर गुजरते थे। और मध्य प्रदेश में सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर पैदल नहीं चलेगा। हमने बसों की व्यवस्था की, बसों में बिठाया। हमारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के चाय का, नाश्ते का, भोजन का, सबका इंतजाम किया। अरे यहां तक कि कोई नंगे पैर गुजरा तो उसके पांव में चप्पल पहना का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। जगह जगह भंडारे प्रारंभ हो गए। हमने दूसरे प्रदेश के मजदूर को भी तकलीफ नहीं होने दी, क्योंकि हम ये मानते हैं हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, सारे मजदूर भाई और बहन अपने ही है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के हमारे अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी को, डॉक्टर रमन सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने जिस लगन से और जिस तन्मयता से छत्तीसगढ़ में जनता की सेवा की, वो अभिनंदनीय है, वो स्वागत योग्य है, वो वंदनीय है। मैं सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, कांग्रेस की संस्कृति है देश को अपमानित करने की, कांग्रेस की संस्कृति है देश को लूटने की, कांग्रेस की संस्कृति है नए तरह के भ्रष्टाचार की। दिल्ली में हो तो दिल्ली में देश खा जाए, सरकार में हो तो प्रदेशों में हो तो प्रदेश खा जाए, भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड बनाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर जीते हैं तो अपने देश के लिए, और मरना पड़े तो मरते भी हैं तो अपने देश के लिए। और आज फिर मुझे गर्व के साथ मैं कह रहा हूं कि हमारा नेतृत्व कर रहे हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, मैं सच कह रहा हूं। कभी कभी ये होता है कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए कोई महान आत्मा जन्म लेती है। मैं ये मानता हूं कि तत्कालीन परिस्थितियों में देश को संकट से उबार के और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी इस धरती पर आए, और मेरा पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में, मेरा नहीं देश की करोड़ों करोड़ जनता का, आज जब चीन से युद्ध होता है हमारा, चीन से हमारे सैनिक भिड़ जाते हैं, तो सेनाओं का मनोबल गिराने का पाप और अपराध ये कांग्रेस पार्टी करते हैं। राहुल गांधी सवाल पूछते हैं, राहुल बाबा कब अकल आएगी आप में, आपकी मानसिक आयु तो 5-7 साल से ज्यादा नहीं लगती, क्या दुर्भाग्य कांग्रेस का, ऐसे नेता इनको मिले, ऐसी बातें कहते हैं कि आश्चर्य होता है। जब सारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा है, हमने नहीं, इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने जब सर्वे किया तो पूरे देश ने एक स्वर में कह दिया कि देश नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, देश नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। तब आरोप लगाना, और ऐसे आरोप लगाना जिससे हमारी सेनाओं का मनोबल गिरे, ये महा अपराध और पाप है राहुल गांधी जी। इसके लिए देश आपको और आपकी पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा। मैं तो आज फिर ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। एक तरफ देश में विकास की गंगा बह रही है, इस कोरोना के काल में भी ये प्रधानमंत्री हमारे जिनने सारे देश में और अलग अलग राज्यों में धन की कमी नहीं आने दी, जन कल्याण के कामों के लिए गरीब कल्याण पैकेज के बाद आत्मनिर्भर भारत का पैकेज। छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश ने हमने संकल्प लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जनता ने, कि हम प्रधानमंत्री के अपील और आह्वान पर लोकल को वोकल बनाएंगे। हमने तय किया है
चीन के सामानों का बहिष्कार किया जाएगा। हमने तय किया है अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत बना के हम उनसे ही सामान बनवाएंगे। हमारे ग्रामोद्योग, हमारे लघु उद्योग, हमारे कुटीर उद्योग बेहतर काम करेंगे और प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है कोई बताए तो, कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है कोई बताए तो। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राज्य, राष्ट्र जिसको हम कहते थे विश्व गुरु, बनने के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम सबको भी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्प दिलाया जाएगा। काफी समय हो गया है और मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 2:45 बजने वाले हैं, बड़ी देर से जनता जनार्दन बैठ के इस वर्चुअल रैली को सुन रही है। लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को। कोई दल कैसे काम करता है ऐसे काल में जब निकलना बंद हो, दो गज की दूरी का सवाल हो, सभा रैली हो नहीं सकती हो, लेकिन धन्य जगत प्रकाश नड्डा जी, आपने नई राह बता दी, वर्चुअल रैली करो। एक नहीं अनेकों संवाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से किए, अब जनता से कर रहे हैं और उसी वर्चुअल रैली का परिणाम है कि मैं भोपाल में बैठ के आपसे बात कर पा रहा हूं। मैं छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार खराब है लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के हित भी सुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी की हमारी छत्तीसगढ़ इकाई, हमारे कार्यकर्ता अन्याय के प्रतिकार के लिए दिनों रात संघर्ष करेंगे। आपके साथ अन्याय किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे और मोदी जी पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का ध्यान रखेंगे। जब तक ये सत्यानाशी सरकार प्रदेश की रहती है तब तक आइए हम सब यही संकल्प करें जो संकल्प अभी दिलवाया जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम साथ चलेंगे, कोरोना को भी समाप्त करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को भी तकलीफ नहीं होने देंगे और एक आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं वो प्रयास जरूर करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ के सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि आज उनसे इस वर्चुअल रैली के माध्यम से संवाद करने का अवसर मिला है। लेकिन अभी तो पूरी तरह से मजा नहीं आया जब तक छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को आमने सामने देख ना लें, हाथ ना मिला लें, गले ना लगा लें, तब तक मजा ही आनंद ही कहाँ आता है। लेकिन आजकल तो हाथ भी नहीं मिला सकते, फिलहाल गले भी नहीं लगा सकते, लेकिन कोरोना काल जैसे समाप्त होगा तब फिर छत्तीसगढ़ आएंगे और तब तक जब हम मिलेंगे तो एक दूसरे